आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। भंडारा जिले में पहले चरण में 96,000 बालकों को पोलियो डोज। भंडारा जिले में पल्स पोलियो लसीकरण मुहिम 28 जनवरी 2018 को पहले टप्पे में 96,540 बच्चों को पोलियो लस पिलाई जाएगी। इस मुहिम को कार्य सफलता पूर्वक करने की सूचना जिलाधिकारी सुहास दिवसे ने दी है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1020 लसीकरण केंद्र शुरू करने में आएंगे। इस मुहिम में 2,443 विविध क्षेत्र में अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। शहरों में 5 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिन तक पल्स पोलियो लसीकरण मुहिम कार्यक्रम किया जाएगा। जागतिक आरोग्य संगठना ने पल्स पोलियो मुहिम 1988 में निश्चित किया था। उसी अंतर्गत राज्य में 1995 से राष्ट्रीय पल्स पोलियो लसीकरण मुहिम हर वर्ष करने में आ रही है। इसमें 5 वर्ष के नीचे बालकों को पल्स पोलियो लसीकरण देने के लिए निश्चित किया गया है। 21 वर्ष से नियमित रूप से पल्स पोलियो मुहिम को जागतिक आरोग्य संगठना योगदान दे रही है। इस वजह से भारत में 13 जनवरी 2011 के बाद अब तक एक भी पल्स पोलियो संक्रमित मरीज नहीं है। उसी प्रकार भारत को पोलियो निर्मूलन प्रमाण पत्र मार्च 2014 में प्राप्त हुआ। इस मुहिम अंतर्गत ग्रामीण व शहरी इस प्रकार कुल 1443 कर्मचारी व 212 पर्यवेक्षक कार्यरत रहेंगे। रेलवे स्थानक व बस स्टैंड मिलाकर 60 स्थानों पर टीम नियुक्त की गई है। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा।